वीडियो था जिसमें आपने कई बातें की, काफ़ी वायरल हुआ, काफ़ी फैंस आपको सपोर्ट कर रहे हैं, काफ़ी फैंस आपको ट्रोल भी कर रहे हैं, तो मुझे क्यों ट्रोल कर रहे हैं? जो फैंस सपोर्ट कर रहे हैं उसके लिए क्या कहना चाहोगे सर? नहीं, आई लव माई फैंस जो मुझे ट्रोल भी कर रहे हैं, आई लव माई फैंस जो मुझे सपोर्ट भी कर रहे हैं। मैं इमोशनल हूँ लड़की, बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ, और मैं रोती भी हूँ, मैं हंसती भी हूँ। मैं अपने आप को संभाल लिया है, और आज ही मैंने सुबह डांस किया है, और मैं डांस करके भी मैंने आज मैं डांस भी कर रही हूँ, और अभी मैं अपने सेंस में भी नहीं हूँ, और अभी मेरा मैं बिग बॉस से बाहर निकली हूँ तो मेरा दिमाग थोड़ा काम भी नहीं कर रहा है, और मुझे एक बहुत लंबा वेकेशन चाहिए। आई नीड, मुझे कहीं जाना है, कहाँ जाना है मुझे नहीं मालूम है, बट मुझे जाना है। आई लव एवरीवन। हाउ डिफिकल्ट इट इज़ टू ओवरकम अ हार्ट ब्रेक? वेरी डिफिकल्ट। आई एम ईटिंग रबड़ी, जलेबी, खीर, चॉकलेट, केक, इतना सारा मैं खा रही हूँ। पता नहीं, जब मैं टोटली डाइट पे हूँ, व्हेन आई एम डिप्रेस्ड, व्हाई एम आई ईटिंग सो मच ऑफ स्वीट्स? क्यों मुझे शांति मिलती है स्वीट्स खा के, मुझे नहीं पता। बट आज मैंने सूर्य नमस्कार मारे हैं 150, कल मैंने और आज सुबह मैंने इतना मिठाई खाया है डिप्रेशन से बाहर निकल के, और मैंने इतना 150 सूर्य नमस्कार और 400 लंजीज मारे हैं, तो खा भी रही हूँ, निकाल भी रही हूँ। सॉरी सलमान जी, मैं बहुत कोशिश कर रही हूँ कि मैं स्लिम हो जाऊँ, लेकिन मैं भी डिप्रेशन में हूँ। मैं बहुत जल्दी स्लिम हो जाऊँगी सलमान जी, और आपके सॉन्ग के लिए मैं रेडी हो जाऊँगी। मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, फिर हम लोग बहुत अच्छा गाना करेंगे। सलमान जी, मैंने आपके लिए ड्रीम देखा था मैंने कल, कि मैं एकदम साइज ज़ीरो हो गई हूँ, और हम लोग साथ में गाना कर रहे हैं। ओके, राखी जी, रितेश तो चल गए, लेकिन उनकी यादों में उनकी कुछ ऐसी यादें आती हैं जो आप शेयर कर सकते हैं, कुछ अच्छी बातें या बुरी बातें? हमारी भूम, मैंने रितेश की, मेरी कोई यादें उतनी है नहीं, क्योंकि रितेश जब कनाडा बेल्जियम से आए थे तो हम लोग तुरंत बिग बॉस में गए, एंड बिग बॉस से आने के बाद फिनाले रहे, 1 or 2 weeks हम साथ में रहे हैं सिर्फ, उतना ज़्यादा रहे ने ना। मैं अपने हनीमून पे गई हूँ, हाय मेरा हनीमून, काश मैं हनीमून पे जाती, मैं मौनी रॉय की तरह बर्फ़ में, स्नो में, मौनी रॉय उनके कपल की तरह, और अंकिता लोखंडे की तरह मैं हनीमून पे जाती, और मैं स्नो में एक दूसरे के ऊपर हम गोले भी बना बना के डालते, लेकिन मुझे तो मौका ही नहीं मिला हनीमून में जाने का, मुझे तो मौका ही नहीं मिला हनीमून में जाने का, आइस में गोले बना बना के एक दूसरे में फेंकने का। और वो गाना जो था, करवटे बदलते रहे सारी रात हम, आपकी कसम, आपकी कसम, आई एम नॉट मैड, मैं पागल नहीं हो गई हूँ, आई एम फाइन, बट हाँ, मुझे सबके तरह हनीमून मनाने का मौका नहीं मिला है, बट एक दिन तो जाऊंगी कब्र में जाने से पहले हनीमून, गॉड मुझे तब उससे पहले लेना मत प्लीज़, हाँ मुझे उससे पहले बुलाना मत प्लीज़ गॉड, मुझे हनीमून जाना है, मुझे स्नो के गोले बना बना के, जैसे विराट कोहली और उनकी वाइफ गए थे स्नो में, सब लोग जिनकी शादी हो जाती ना वो ठंडी जगह क्यों जाते हैं मुझे नहीं पता, स्नो में जाते हैं, एक दूसरे पर गोले बना बना के फेंकते हैं, मुझे भी जाना है, मुझे हनीमून करना है, कि ताकि मैं ढेर सारे आइस के गोले बना बना के ना अपने पति पे फेंकूं। ओके, राखी जी, आप बिग बॉस के अंदर जब रितेश निकल चुके थे तो आप बोले कि मुझे भी डर है कि रितेश मुझे छोड़ के चल जाएंगे, वो मुझे जो डर हो गया सच, तो आप क्या कहेंगे? बिकॉज मेरी गलती की वजह से हुआ है, मैं सारा ब्लेम अपने पे लेती हूँ, आई एम नॉट ब्लेमिंग रितेश फॉर एनी थिंग, ही इज़ अ नाइस गाय, इज हैज अ नाइस फैमिली। आज मुझे पता चला कि रितेश मीडिया के सामने और रियलिटी शो में क्यों नहीं आना चाहते थे, बिकॉज ही इज़ फेसिंग सम प्रॉब्लम्स गाइज,
ही इज़ फेसिंग सम प्रॉब्लम्स और सम लीगल प्रॉब्लम्स इज फेसिंग गाइस. जो होता है अच्छे के लिए होता है ना. तुम्हें क्या लगता है क्या मुझे कोई लड़का नहीं मिलेगा अच्छा शादी करने के लिए? क्या मुझे कोई अच्छा लड़का नहीं मिलेगा शादी करने के लिए? बहुत अच्छा मिलेगा, बहुत अच्छा. मैं भी किसी क्रिकेटर से शादी करूँगी, किसी बड़े पुलिस. मेरे डैडी एक्सपायर हो गए लेकिन मेरे डैडी की इच्छा थी कि मैं बड़े पुलिस वाले से शादी करूँ, लेकिन मेरी इच्छा थी कि मैं किसी क्रिकेटर से शादी करूँ. मैं ही जाऊँगी आईपीएल में, मैं क्रिकेट मैच में मैं भी अपने हस्बैंड को चौके छक्के लगाते हुए देखूँगी बैठ के, और मैं हिम्मत दूँगी. पर आप कल बोले थे कि जो फिल्म सिटी में आपके आप किस किए थे रितेश को, तो वो चीज़ लेके वो बहुत ज़्यादा दुखी थे, तो इसके बारे में क्या बोलेंगे? दुखी थे या उन्होंने भी तो आपको किस किया था? आज नहीं नहीं नहीं, उन्होंने मुझे किस नहीं किया था. ही वॉज नॉट कम्फर्टेबल, ही इज़ वेरी शाय गाय. मैंने किस किया था? आई एम एवरीथिंग. आई एम ब्लेमिंग फॉर माई मैरिज, फोर्सफुली मैरिज. आई एम ब्लेमिंग माई सेल्फ. आई एम टेकिंग, मैं अपने पर सारा इल्ज़ाम लेती हूँ कि मैंने फोर्सफुली शादी करी थी, मैंने फोर्सफुली उनको बुला के यहाँ पे शादी करी थी, उनका कोई कसूर नहीं है और मैंने फोर्सफुली उनके साथ किस किया था. भाई साहब, मैं इतने तो इल्ज़ाम अपने पे ले रही हूँ यार, कौन सी लड़की होगी जो अपने पे इतना इल्ज़ाम लेगी, बताओ. आज बॉलीवुड लेजेंड सिंगर बप्पी लहरी जी हमारे बीच नहीं रहे हैं, उन्होंने काफ़ी थाउजेंड से भी अच्छे गाने दिए, आप क्या कुछ कहना चाहोगे इसके बारे में? बप्पी जी, बप्पी दा, मिस कर रहे हम आपको बप्पी दा. मैंने आपके साथ कितने सारे अवार्ड नाइट किए बप्पी दा. बप्पी दा कितने अच्छे लगते इतना सारा गोल्ड पहन के. बप्पी दा की तरह वो जो उनका लुक इस दुनिया में कोई नहीं कर सकता, कोई कितना भी गोल्ड पहने. लेकिन बप्पी दा ने जो गाने दिए हैं, उलाला 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 उलाला, तू है मेरी फैंटेसी, छुनाना छुनाना, अब मैं जवां हो गई, फिर आई एम कौन सा, आई एम अ डिस्को डांसर, मुन्नी बदनाम हुई, डार्लिंग तेरे लिए, शीला शीला की जवानी, इतने बहुत सारे गाने दिए. और कौन सा याद आ रहा है तेरा प्यार, याद आ रहा है तेरा प्यार, बहुत सारे गाने दिए बप्पी दा ने. बप्पी दा, आपका नेचर इतना अच्छा था, आप रसगुल्ला की तरह थे, इतने स्वीट, लेकिन आप 69 उम्र में, इतनी कम उम्र में आप चले गए. आपको तो 100 साल जीना था, अब बॉलीवुड क्या करेगा आपके बगैर. आप इतने इतने अच्छे अच्छे गाने देते थे. ओह माय गॉड, अभी लास्ट बिग बॉस में भी आप आए थे आपके पोते के साथ. आप आपके पोते के साथ आए थे और आपके पोते ने इतना अच्छा डांस किया था. वी मिस यू. आई होप कि आपको स्वर्ग में बहुत अच्छा वेलकम हो गया, आपका वेलकम हो गया स्वर्ग में. राखी जी, आप गए नहीं उनके फ्यूनरल में? मैं बहुत सैड हूँ, मैं अभी अपने सेंस में नहीं हूँ और मेरे पास वाइट सलवार कमीज नहीं थे. तो आप क्या मीडिया के माध्यम से उनके फैमिली को क्या कुछ कहना? तो इसलिए मीडिया के माध्यम से मैं दुख जता रही हूँ और मैं सब. बहुत बहुत धन्यवाद राखी जी आपका, बहुत बहुत धन्यवाद. राखी जी इधर आ जाइए, थोड़ा अच्छे से फोटो इधर आ जाइए, थोड़ा अच्छे से. हाँ बस बस, इधर ही मैं. आपका मॉर्निंग की फ्लाइट है मेरी, आप लोग आ रहे हो? वहाँ की मीडिया कवर करेगी. क्यों? वहाँ की मीडिया तो उतनी खास नहीं है जितनी मुंबई की मीडिया बेस्ट है. हाँ वो तो देखा, भोपाल अभी गया था मैं, तो ऐसा नहीं जानती हूँ मैं, तो मुंबई की मीडिया को ही जानती हूँ. छोटू बंद है मैम, छोटू है क्या? मैं तो अभी जा रही हूँ लोखंड वाला, ढेर सारे क्वेश्चन मिलेंगे. राखी जी यहाँ देखिए, वेरी नाइस, सैड है वो. तो आप कुछ तैयारी किए उनके शादी के लिए जाने के, क्या पहनेंगे उनके शादी? हाँ, एक हल्दी के लिए अलग कॉस्ट्यूम है, एक मेहंदी के लिए अलग कॉस्ट्यूम है और शादी के लिए अलग कॉस्ट्यूम है. तो हम लोग तो
कुछ डांस डांस परफॉर्मेंस होगा वहाँ पे? हाँ मैं तो बहुत डांस करूँगी वहाँ पे, एक से क्वेश्चन में ले रही हूँ। और भी अफसाना की शादी है, और भी कोई बिग बॉस के कंटेस्टेंट जो उनके फैन है? हाँ जरीन खान से लेकर उमर से लेकर सब लोग जा रहे हैं, बहुत सारे लोग जा रहे हैं। तो हम 18 को मॉर्निंग में हम आपको एयरपोर्ट पर मिलेंगे, आप लोग आ जाना एयरपोर्ट पर, मैं 9:30 पहुँच जाऊँगी। तो कुछ कपल डांस है कि सोलो डांस है वहाँ आपका, मतलब जैसे फ्रेंड के साथ या? नहीं मेरा तो धारावी डांस रहेगा, गणपति डांस। मैं गणपति डांस, हाँ मैं तो गणपति डांस और धारावी डांस करूँगी, मुझे पसंद है अपना बिंदास फ्रिक आउट डांस पसंद है मुझे, फ्रिक आउट धारावी और गणपति डांस बहुत पसंद है। थैंक यू भाई, राखी जी बस इधर।